हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। और आपने पिछले लेक्चर सारे फॉलो किए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनेंट क्या होता है ये डिफाइन कर लिया था, उसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे एक्सपेंशन का उसका रूल है, सेरस रूल क्या होता है, माइनर कोफैक्टर क्या होता है, ये सब पढ़ने के बाद आज बारी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट समझने की। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कुछ रूल्स हैं, इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रूल्स आर क्वाइट सिंपल, आसान से रूल्स हैं, वो तो सब समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में है ना उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले तो मैं आपको 10-15 एग्जाम्पल खुद ही सॉल्व करके बताऊँगा और फिर आपको ढेर सारे क्वेश्चन भी दे दूँगा, उसका आप खुद से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, टू स्टार्ट विथ फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल ये है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट पहले से लिखा हुआ है, सपोज उसका वैल्यू 10 है ना, उसके रोज और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया, तब भी उसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 10 ही रहेगा। दिखने में डिटर्मिनेंट अलग सा लगेगा लेकिन वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो वो पहले वाले के बराबर ही आएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आज पहला हमने ऐसा कोई 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, तो चलो इसको सॉल्व करके पहले वैल्यू देख लेते हैं इसका। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लिया जाए इसको, 1 × 15 − 0, फिर −2 × 10 − 8 एंड +3 × 0 − 6, ये हो गया 15 और यहाँ पे हो गया −4 और −18, तो 15 − 22 ये कितना हो गया −7। ठीक है, अब आ जाओ ये पहले रो को इंटरचेंज करके ये पहला कॉलम बना लेते हैं 1 2 3। ऐसे ही जो दूसरा रो है 2 3 4 उसको दूसरा कॉलम बना लिया जाए, और तीसरा रो जो है 2 0 5 उसको तीसरा कॉलम बना लिया जाए। ठीक है, इंटरचेंज हो गया। एक बार आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, दिखने में बिल्कुल अलग सा है लेकिन वैल्यू जब हम इसका सॉल्व करेंगे वो सेम ही आना है। ठीक है, चलो एक्सपेंड करते हैं पहले रो से, 1 × 15 − 0, फिर −2 × 10 − 0 एंड +2 × 8 − 9, ये कितना हो गया 15 − 20 और −2, आंसर फिर से कितना है −7। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हमें पता है रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स बनता है वो ट्रांसपोज कहलाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट सपोज अल्फ़ा है, तो उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसका डिटर्मिनेंट भी अल्फ़ा ही होगा। आ जाओ दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड क्या है, इफ़ एनी टू रोज, वो ब्रैकेट में मैंने लिखा है और कॉलम्स, तो मतलब जो बात रो के लिए सही है वही सेम बात कॉलम के लिए भी सही है ना। तो बार बार मुझे रो और कॉलम के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी ना लिखना पड़े, इसलिए रो के आलम वही कॉलम लिख दिया गया है रो के आगे। ठीक है, तो इफ एनी टू रोज और कॉलम्स बी इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट लिखा है, उसका वैल्यू मान लेते हैं अल्फा है ना, तो अगर उसके किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, कोई भी दो रो हो सकते हैं ना, मान लेते हैं रो फर्स्ट और सेकेंड R1 और R2, उनको आपस में चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया, मतलब पहले रो को पहला दूसरा रो बना दें और दूसरे रो को पहला रो बना दें, ऐसा करने से सिर्फ डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब पहले वैल्यू अगर अल्फ़ा था अब माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। एग्जांपल देखो, ये मैंने ऊपर वाला ही डिटर्मिनेंट उठाया 3x3 का, इसका वैल्यू आता था −7, हमने सॉल्व किया था अभी है ना। अभी मैं इसमें एक ऑपरेशन ऐसे लगा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ R1 becomes R2, और इधर से भी एरो लगा देते हैं R2 becomes R1। ठीक है, ये ध्यान रहे इस वाले ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब R1 और R2 एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं। R1 जो है वो R2 बन जा रहा है और R2 जो है वो R1 बन जा रहा है। सही है, तो कैसा दिखेगा डिटर्मिनेंट, अभी डिटर्मिनेंट ऐसा दिखेगा कुछ। अब 2 3 4 जो दूसरा रो था वो पहला बन गया और पहला जो 1 2 3 था वो दूसरा बन गया। ठीक है, दिखने में अलग सा है लेकिन चलो इसको सॉल्व करके देख लो,
टू इंटू 10 माइनस 0 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 6 एंड प्लस 4 इंटू 0 माइनस 4। क्या आंसर है देखो 20, और यहाँ पर प्लस 3 और माइनस 16, 23 माइनस 16 इज वॉट 7। तो क्या बोला था हमने कि साइन चेंज हो जाएगा, पहले माइनस 7 आंसर था, अब क्या हो गया 7 हो गया। बात समझ में आया। अब ये सिर्फ रो के लिए नहीं, ये कॉलम के लिए भी सही है। अगर मान लो C1 बिकम C3 कर देते एंड C3 बिकम C1 कर देते, C1 और C3 को आपस में क्या कर देते, इंटरचेंज कर देते, तब भी जो है डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता, 7 आता, क्योंकि पहले क्या था माइनस 7 था। बात समझ में आया। अच्छा अभी दो इंटरचेंज कर दे, जैसे मान लो ये वाले डिटर्मिनेंट में एक इंटरचेंज हुआ है, R1 को R2 बना दिया गया और R2 को R1 बना दिया गया। अब मान लो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये वाले में, इस वाले डिटर्मिनेंट में एक इंटरचेंज और कर दें हम, यहाँ पे मान लो कॉलम का इंटरचेंज कर दें, C1 बिकम C3 एंड C3 बिकम C1, तो ये जो आंसर जो अभी 7 आ रहा है, अब वो क्या आने लगेगा, माइनस 7 आने लगेगा। मतलब एक इंटरचेंज करने पे एक माइनस आ जाएगा, दो इंटरचेंज करने पे दो माइनस आएंगे, तो वो दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। सही है। आज वो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी सबसे आसान वाली प्रॉपर्टी है, बोल रहे हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का, किसी एक रो का या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट ही क्या हो गए, जीरो हो गए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है यार। अगर मान लेते हैं कि पहले रो में जीरो 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 ही लिखा है, तो जब मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने जाऊँगा, तो जीरो इंटू समथिंग माइनस जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग, तो फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। आपको ये सोच रहा होगा कि सर अगर फर्स्ट रो में ना होके अगर मैं थर्ड कॉलम में जीरो जीरो लिखूं, अगर यहाँ जीरो जीरो लिख दें इधर, तो तुम्हें पता है पिछले वाले लेक्चर से कि डिटर्मिनेंट को तो हम लोग किसी भी कॉलम से या किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ऐसे में अगर हम इसको C3 से एक्सपेंड करने जाएं, तब भी यही सिचुएशन बनेगा, जीरो इंटू समथिंग माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पे साइन इसकी मैसेज चलता है प्लस माइनस प्लस का। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम, कम से कम एक है ना, अब एक से ज़्यादा हो जाए, मान लो यहाँ भी जीरो हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर जीरो आएगा। तो किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो गए, तो डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रोज या दो कॉलम, देखो जो बात रो के लिए सही है वही बात कॉलम के लिए भी सही है, तो सेपरेट सेपरेट ना लिख के एक ही साथ लिखा हुआ है ना, तो ये बात समझते चलना। किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो इक्वल हो जाए, इक्वल होने का मतलब कि एलिमेंट आपस में इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाए, या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में हो जाए, तब भी जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। क्या मतलब है इसका, देखो ये मान लेते हैं 1 2 3 लिखा इधर पहला रो, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 4 6। अगर तुम ध्यान से देखो, या चलो पहले इक्वल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पर दूसरा रो भी मैंने 1 2 3 लिख दिया, फिर मैं चाहे इधर थर्ड रो में जो मर्जी लिख दूँ, एक्स वाई जेड लिख दिया मैंने, इस वाले डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आएगा। चलो करके देखो सॉल्व, पहले रो से एक्सपेंड किया तो 1 × 2z − 3y माइनस 2 × z − 3x एंड प्लस 3 × y − 2z। देखो 2z और 2z कैंसिल हो गया, 3y और माइनस का 3y ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस का 6x और यहाँ माइनस का 6, सॉरी एक मिनट, 2z प्लस का 2z माइनस का कैंसिल हो गया। अच्छा ये आखिरी में मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये x है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3y और प्लस का 3y कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस का 6x यहाँ प्लस के 6x के साथ कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, जीरो। तो कोई भी दो रो सेम हो जाए, अभी तो फिलहाल मैंने R1 और R2 को सेम रखा है, ठीक है ना, R1 R3 सेम हो जाए या R2 R3 सेम हो जाए, तो आंसर जो है वो जीरो हो जाएगा, और यही बात कॉलम के लिए भी सही है। ये तो इक्वल वाला एग्जांपल हो गया। इक्वल ना होकर अगर प्रोपोर्शनल होता, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 लिखा है या 1 2 4 हो गया, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, अब देखो ध्यान से R1 और R2 क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम नहीं है, है ना, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ चलो कुछ भी
एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, ठीक है। इसको भी आप एक्सपेंड करके देखो, आंसर इसका जीरो आएगा। वन इंटू टू अल्फ़ा जेड माइनस फोर अल्फ़ा वाई माइनस टू इंटू अल्फ़ा जेड माइनस फोर अल्फ़ा एक्स एंड प्लस फोर इंटू अल्फ़ा वाई माइनस टू अल्फ़ा एक्स। देखो टू अल्फ़ा जेड माइनस टू अल्फ़ा जेड कैंसिल, माइनस फोर अल्फ़ा वाई प्लस फोर अल्फ़ा वाई कैंसिल, और ये प्लस एट अल्फ़ा एक्स यहाँ माइनस एट अल्फ़ा एक्स कैंसिल, आंसर जीरो। तो कोई भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, या सेम अगर ना हो तो प्रोपोर्शनल हो जाए, सेम रेशियो में हो जाए, है ना, तो आंसर जो है वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, प्रोपोर्शनल या इक्वल जब हम बोल रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, सीधा सीधा ऐसे करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है, सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर डिटर्मिनेंट में किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक स्केलर, अब ये स्केलर मैं फिर से बता दूं, ये वेक्टर स्केलर वाला स्केलर नहीं है, स्केलर का मतलब कोई नंबर है या कोई वेरिएबल भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, एक्स हो सकता है, कॉस अल्फा हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट में स्केलर का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लीकेशन होता था स्केलर का, उससे डिफरेंट है। मैट्रिक्स में क्या होता था, ये के जो है वो सारे सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ, अगर तुम्हें याद हो। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा, सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी एक रो या किसी एक ही कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। पढ़ो क्या लिखा है, इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी स्केलर के इन टू अ डिटर्मिनेंट इट गेट्स मल्टीप्लाई, इट माने दैट स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड इन टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो या फिर कॉलम, किसी एक में, सब में नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा डिफरेंट है, ओके। अब देखो इसको थोड़ा और आगे डिस्कस किया जाए, जैसे यहाँ जो मैंने एग्जांपल उठाया है, इसमें ये जो के स्केलर है इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने कहाँ किया, पहले वाले रो में कर दिया, पहले रो के एलिमेंट्स में। क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, क्वेश्चन की ज़रूरत के अनुसार मैं चाहूँ तो इसको फर्स्ट कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे किसी एक ही जगह होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों दिखने में आपको बिल्कुल डिफरेंट लग रहे होंगे लेकिन ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा कि क्या इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलावा क्या सेकंड में भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में एक साथ नहीं होगा, ठीक है ना, किसी एक ही में होगा। अब या तो आप पहले में करो, दूसरे में करो, तीसरे में करो, चाहे रो में करो चाहे कॉलम में करो, लेकिन एक ही में करना है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब इसको रिवर्स देखो, इसको रिवर्स समझो, ठीक है। अगर ये वाला चीज़ कहीं पे लिखा हुआ है और जैसे ही हमें दिखा कि किसी एक रो में, जैसे पहले रो में यहाँ पर मुझे एक कॉमन फैक्टर के दिखाई दे रहा है, तो आई कैन टेक के एज कॉमन, मैं के को ऐसा कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर, इसको ऐसे समझना, इधर से उल्टा देखो तो तुम्हें कॉमन लेना समझ आएगा कि डिटर्मिनेंट से कोई चीज़ कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ मैं तो यहाँ पर जैसे मुझे नज़र आया कि एक कॉमन फैक्टर मुझे दूसरे कॉलम के तीनों एलिमेंट में मुझे एक कॉमन फैक्टर के दिखाई दे रहा है, तो अगेन आई कैन टेक दिस के एज कॉमन, इस के को मैं फिर से कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में जब तक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तब तक हम उसको कॉमन नहीं निकाल सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में भी दिख गया तो उसको कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे ये एक 3x3 का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अब इसको वैसे तो हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं पहले रो से, लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि पहले रो में क्या क्या एलिमेंट 32, 24 और 16, तो इसमें 8 कॉमन है, तो कहीं ना कहीं अगर हम 8 कॉमन निकाल लें तो जो एलिमेंट होंगे वो छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे तो उनको मैनिपुलेट करना, कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं पहले वाले रो से 8 कॉमन निकाल लूँ तो अब बचेगा यहाँ पे 4, 3 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हो गया 8, 4, 5 माइनस 1, 0 और 2, ठीक है।
अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलो अब इसको पहले रो से हमने क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया फर्स्ट रो से। तो लिखेंगे 4 इंटू 8 माइनस 0, फिर माइनस 3 इंटू 16 प्लस 5 21 एंड प्लस 2 इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस 4 दैट इज प्लस 4। तो क्या आंसर आएगा, ये हो गया 32 माइनस 63 और प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये फिर भी आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो स्केल और मल्टीप्लिकेशन हमने समझा मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में कैसे होता है, उन दोनों में क्या अंतर है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट के सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब ये एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट भी मैट्रिक्स एडिशन से डिफरेंट है। मैट्रिक्स के एडिशन में अनलेस अदरवाइज द ऑर्डर ऑफ या फिर द साइज ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट सेम, वी कांट ऐड दोज टू मैट्रिसेस। बट डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। अभी मान लो मेरे पास 1 2 3 4 एक ये डिटर्मिनेंट लिखा है और सपोज एक 3x3 का डिटर्मिनेंट लिखा है, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर 3x3, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं इसको ऐड करो, ठीक है ना। मान लो ये क्वेश्चन है, तो अब कोई मान लो ये सोच रहा होगा कि नहीं ये डिटर्मिनेंट का एडिशन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स तो है नहीं। डिटर्मिनेंट तो कोई वैल्यू होता है, ध्यान रहे ये एक वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे 4 - 6 ये कितना आएगा आंसर, -2 आएगा। और ऐसे ही इसको भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा आ रहा है लेट, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू -2 है और ये वैल्यू अगर अल्फ़ा है तो इसको ऐड तो कर ही सकते हैं, आंसर हो गया अल्फ़ा -2, ये आंसर हो गया, है कि नहीं। तो ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है डिटर्मिनेंट के एडिशन में, ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर ऑर्डर सेम है तो भी हम उसको अलग अलग कैलकुलेट करके, मान लो दो डिटर्मिनेंट मेरे पास लिखे हैं, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी, और दोनों का सेम ऑर्डर है, तो मैंने इसको अलग कैलकुलेट किया, मान लो अल्फ़ा आया, इसको मैंने अलग कैलकुलेट किया, मान लो आंसर बीटा आया, फिर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, आंसर बोल दिया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, फिर भी ये वाला टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं वो समझो। अगर ऑर्डर सेम है और उसके साथ साथ, ठीक है, अब मैं ये सब रब कर देता हूँ, यहाँ बताने वाली बात क्या है वो समझ लेना। अगर दो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ मान लेते हैं कि ये पहला कॉलम और दूसरा, मतलब दोनों दोनों डिटर्मिनेंट का दूसरा कॉलम और दोनों डिटर्मिनेंट का ये जो तीसरा कॉलम है, ये दोनों अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम लिखे हुए हैं। दोनों डिटर्मिनेंट्स में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ पहले कॉलम का है। तो अगर ऐसा है, सिर्फ पहले कॉलम का डिफरेंस है, बाकी दोनों कॉलम सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इन डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। वो डायरेक्टली ऐड करने का क्या तरीका है कि जो कॉलम सेम है रिजल्ट में वो कॉलम भी एज इट इज लिखा जाएगा, ये दिख रहा है। जब हम दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड करेंगे तो जो दोनों कॉलम सेम थे उनको एज इट इज लिख दिया, और जो डिफरेंट था सिर्फ डिफरेंट वाला आपस में क्या हो गया है, ऐड हो गया। अगर तुम देखो ध्यान से, ये रूल है। अब कोई सोच रहा होगा क्या सिर्फ फर्स्ट कॉलम ही डिफरेंट होना चाहिए, नहीं, कोई एक कॉलम डिफरेंट होना चाहिए और बाकी दोनों सेम होने चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता था कि दोनों का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम रहता और तीसरा डिफरेंट रहता, तो जब हम इनको जोड़ते तो वो जो एडिशन वाला मैट्रिक्स आता है उसमें भी पहला और दूसरा सेम ही रहता, सिर्फ थर्ड जो डिफरेंट है वो आपस में ऐड हो जाता। और ये बात सिर्फ कॉलम के लिए नहीं, ये बात रो के लिए भी सही है। देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ जो एग्जांपल मैंने उठाया नीचे, ये दूसरा वाला एग्जांपल, मैंने यहाँ पर सेकंड कॉलम सेम रखा है, थर्ड कॉलम सेम रखा है। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा डायरेक्टली तो सेकंड और थर्ड कॉलम वैसे ही रहेगा जैसे पहले दोनों में था, सिर्फ जो डिफरेंट थे ये पहला रो
पहला रो डिफरेंट थे, सिर्फ वही आपस में क्या हो गया, ऐड हो गया। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। अब इसको मैंने स्टेटमेंट में ऐसे नहीं लिखा है, एग्जांपल से समझा दिया, स्टेटमेंट इसका अजीब सा बनेगा, है ना, लेकिन सुन लो फिर ध्यान से। अगर दो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम है और सिर्फ किसी एक रो को छोड़ के, करस्पॉन्डिंग किसी एक रो को छोड़ के बाकी के सारे रोज एग्जैक्टली सेम है, और ये बात कॉलम के लिए भी सही है, सिर्फ किसी एक करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ के बाकी सारे करस्पॉन्डिंग कॉलम्स आपस में सेम है, तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो उसमें जो डिफरेंट रो या कॉलम है सिर्फ वही आपस में ऐड होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा उल्टा भी समझ लेते हैं ऐसे इधर से। मान लो कि ये वाला, मान लो ये नहीं है मेरे पास, सिर्फ कहीं क्वेश्चन में ये वाला डिटर्मिनेंट लिखा है, और फिर मुझे इस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ अभी, स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पहले रो में दो दो एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, दूसरा रो तीसरा रो मान लो मुझे सेम रखना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, पहले डिटर्मिनेंट में भी और दूसरे डिटर्मिनेंट में भी, दोनों में इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ए वन बी वन सी वन लिख दिया, यहाँ पे अल्फा वन बीटा वन और गामा वन लिख दिया। तो यहाँ से स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट भी समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट का एडिशन और उसकी स्प्लिटिंग। तो आपने देखा यहाँ पे डिटर्मिनेंट का एडिशन भी मैट्रिक्स के एडिशन से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कोई ये सोच रहा होगा, किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या होगा अगर सारे कुछ सेम ही ना हो, सब कुछ अलग हो। मान लेते हैं ये कुछ ऐसा, यहाँ मान लेते हैं कोई ए बी सी डी ई एफ, और क्या मान लेते कुछ, मान लो वन टू थ्री, सही है। अब ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट हैं, और ये जितने भी मैंने एलिमेंट यहाँ पे लिख रखे हैं, नाइन एलिमेंट यहाँ पे और नाइन एलिमेंट यहाँ पे, इनमें से कोई भी आपस में सेम नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम ऐसा सेम नहीं है। तो फिर अब कोई बोलेगा कि सर अब इसको कैसे ऐड करेंगे, तो भैया अब इसको ऐड करने का ऐसा कोई डायरेक्टली मेथड नहीं है। इसको ऐड करने के लिए तो फिर मुझे इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। मान लेते मैंने इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया, सपोज आंसर आ गया W, और मैंने इसको अलग से सॉल्व किया और इसका आंसर आ गया, सपोज आंसर आ गया कोई Y, नहीं Y तो उधर ले लिया ना, कुछ और मान लो, कुछ आ गया T आ गया, ठीक है। तो बस ऐड हो गया, ऐड करके इसको W प्लस क्या लिख दिया मैंने, W प्लस T लिख दिया। ठीक है, ये तो जो एडिशन तुम्हें बताया गया है, ये अगर किसी एक रो या किसी एक करस्पॉन्डिंग कॉलम के अलावा अगर बाकी सब कुछ सेम है, तो फिर वो ऐसे डिटर्मिनेंट को ऐड करने का डायरेक्टली क्या मेथड है, वो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी में समझाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया, नहीं आया तो आप बार बार रिपीट करके वीडियो देखिए, और फिर जब इसका एग्जाम्पल लेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। आगे आगे सेवन्थ प्रॉपर्टी, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलें या मोस्ट मोस्टली यूज्ड, है ना, वेरी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, सबसे ज़्यादा हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है वो तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार। इधर लिखा है कि अगर हम किसी एक रो में कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई कर दें, अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप इसलिए रो में नहीं, रो के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी रो के एलिमेंट्स में कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करके और उसको किसी दूसरे रो में जोड़ दें या किसी दूसरे रो से घटा दें, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एज इट इज सेम रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये रो के साथ साथ ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे कॉलम भी लिख दिया है, तो इसका मतलब जो बात रो के लिए सही है वही बात कॉलम के लिए भी सही है। ठीक है,
अब देखो भैया इसको एग्जांपल से, स्टेटमेंट से तो कुछ समझ आएगा नहीं। दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में यही वाली बात यहाँ पे नीचे लिखी है। अब ये वाली बात का क्या मतलब है देखो, यहाँ पे इसको पहले पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे आर आई बिकम्स आर आई प्लस अल्फा टाइम्स आर जे, ये इसको ऐसे पढ़ेंगे। मतलब आर आई जो था वो आर आई प्लस अल्फा टाइम्स आर जे बन गया, ठीक है। आर आई अब चेंज हो गया, तो इसमें हुआ क्या, ये जो जेथ रो है, जेथ रो में मैंने किसी नंबर अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया और उसको ले जाके किसी दूसरे आईथ रो में ऐड कर दिया, और फिर मैंने ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि आई और जे बराबर नहीं है, ठीक है। किसी दूसरे रो में ले जाके उसको जोड़ना है, तो ऐसा करने से वो दूसरा रो तो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। एग्जांपल देखो, देखो ये वही 3x3 का एग्जांपल है जो हम लोग स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। क्या आंसर है इसका, -7। अब चलो ये पहला ऑपरेशन मैंने इस पर किया, इसका मतलब क्या है, आर वन बिकम्स आर वन माइनस, कैसे रीड करेंगे इसको वो मैं लिख रहा हूँ, आर वन बिकम्स आर वन माइनस 3 times R2। इसका मतलब ये है कि सेकेंड रो में 3 का मल्टीप्लाई करके पहले रो से उसको घटा दिया गया है, और चेंज क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा रहता है R1 वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये करने के बाद ये डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्या चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, इसका मतलब R2 तो जो पहले है वही रहेगा, R3 जो पहले है वही रहेगा, R1 चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, तो हमने पहले R2 में 3 का मल्टीप्लाई किया है और उसको R1 में से घटाया है, मतलब यहाँ देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ और ये 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट किया गया, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, और सारा काम करस्पॉन्डिंग करना है, ये नहीं मतलब कि यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करें और इसको इसमें से घटा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ और 1 में से माइनस करूँ, ठीक है, 1 - 3 × 2 क्या आंसर आएगा, -5। वही काम यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 - 3 × 3 आंसर हो गया -7। फिर यहाँ देखो थर्ड में 3 - 3 × 4, ये R1 का एलिमेंट है, -3 times R2 ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 - 12 कितना हो गया, -9। अब देख लो ये दोनों आपस में, ये वाला डिटर्मिनेंट जो पहले लिखा था और जो हमने अभी ये लिखा, क्या ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, -5 × 15 - 0 +7 × 10 - 8 एंड -9 × 0 - 6 ये हो गया -75 +14 एंड +54, ठीक है। ये कितना हो गया 68, -75 +68 कितना आंसर है, -7। क्या चेंज हुआ आंसर, नहीं, पहले भी -7 था अभी भी -7 है, ठीक है। दूसरा और देखो, समझो इस वाली बात को, दूसरा देखो एग्जांपल। ये एग्जांपल मैंने क्या लिया है, R2 becomes R2 plus 2R1, मतलब पहले रो के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई किया गया और उसको ले जाके हमने दूसरे रो में जोड़ दिया, कैसा दिखेगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा होगा। चेंज क्या होगा इसमें, दूसरा रो, पहला रो चेंज होगा क्या, नहीं, 1 2 3। तीसरा चेंज होगा क्या, नहीं, 2 0 5। दूसरा चेंज हो रहा है कैसे, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके उसको ले आके R2 में जोड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 1 × 2 और वो आके इसमें +2 हो गया, तो 1 × 2 + 2 कितना हो गया, 4। अब वही चीज़ यहाँ देखो, R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 × 2 = 4 और वो लाके इसमें ऐड कर दे रहा है, तो 4 + 3 हो गया 7। फिर यहाँ पे R3 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 2 हो गया 6 और वो आके इधर 4 में ऐड हो गया, कितना हो गया, 10।
दिखने में बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा, 1 × 35 माइनस 0 माइनस 2 × 20 माइनस 20 एंड प्लस 3 × 0 माइनस 14, ये हो गया 35 माइनस 0 और माइनस 42, 35 माइनस 42 माइनस 7, सही है। थर्ड एग्जांपल देख लो अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो। थर्ड एग्जांपल है C3 becomes C3 माइनस 4 टाइम्स C2। क्या हुआ इसमें, C2 में पहले माइनस 4 का मल्टीप्लाई हुआ और उसको ले जाके हमने C3 में जोड़ दिया। C3 में जोड़ा ना, तो मतलब चेंज क्या हुआ, C3 हुआ, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा भैया, आ जाओ देखते हैं। C3 चेंज हो रहा है, ध्यान रहे C1 जो है अनचेंज है, C2 जो है वो भी अनचेंज है, C3 चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो C2 में माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो, C2 के एलिमेंट में माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो, 2 × -4 कितना हो गया माइनस 8, और C3 के एलिमेंट में ले जाके जोड़ो तो माइनस 8 प्लस 3, C3 का एलिमेंट देखते रहना, C3 ये है, C3 में जोड़ना है, ठीक है। तो 2 × -4 प्लस 3 कितना हो गया, 2 × -4 और प्लस 3 माइनस 5, ठीक है। फिर आगे 3 × -4 माइनस 12 और प्लस 4 हो गया माइनस 8, और यहाँ पे 0 × -4 0 और 0 प्लस C3 का एलिमेंट 5, 0 प्लस 5 5, सही है। आज भी ये सॉल्व करके देख लेते हैं इसको, वही पहले रो से एक्सपेंड करते हैं, तो 1 − 15 × 0 फिर माइनस 2 × 10 प्लस 16 और माइनस 5 × 0 माइनस 6, ये हो गया 15 और 26 × 2 माइनस 52 और यहाँ पे प्लस 30, तो 15 और 30 हो गया 45 माइनस 52, आंसर कितना है माइनस 7, ठीक है। आई होप मैंने बहुत एग्जांपल ले लिया, फिर से सुन लो ध्यान से। प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी एक रो के एलिमेंट में कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करके उसको ले जाके किसी दूसरे रो के एलिमेंट में जोड़ दें, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। या फिर ये बात कॉलम के लिए भी सही है, किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके उसको ले जाके किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स में जोड़ दें तो वो दूसरा कॉलम चेंज तो हो जाएगा लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक। अब आते हैं आठवीं प्रॉपर्टी पे। आठवीं प्रॉपर्टी ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का लिखा हुआ है, ऑड ऑर्डर बोलने का मतलब थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सेवन्थ ऑर्डर, नाइन्थ ऑर्डर, ये हो गया ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा हमेशा जीरो होता है, ठीक। अब इसको मैं वेरीफाई करा सकता हूँ, ऐसे कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके, जैसे मैंने थर्ड ऑर्डर का लिखा 0 0 0, डायगोनल वाले तो जीरो होते ही है, पता ही आपको, यहाँ 2 लिखा तो यहाँ माइनस 2, यहाँ 3 लिखा तो यहाँ माइनस 3, यहाँ मैंने x लिखा तो यहाँ माइनस x, चाहिए ना। चलो सॉल्व करो ये डिटरमिनेंट, पहले रो से एक्सपेंड किया, 0 × 0 प्लस एक्स माइनस 2 × 0 माइनस 3x माइनस 3 × 2x माइनस 0, 0 × something 0, ये हो गया प्लस 6 माइनस 6x, आंसर 0। जबकि यहीं पे अगर 2 × 2 का एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखो 2 × 2 का एक एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो 0 नहीं है, वो कितना है 25 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, सही है। अब ये तो मैंने एग्जांपल से समझाया, अब इसका प्रूफ क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या ये प्रूफ है जो हमने लिखा है, नहीं, सारी प्रॉपर्टीज का मैं प्रूफ नहीं लिखवा रहा हूँ, जो ज़रूरत है जो पूछा जाता है वही लिखवा रहा हूँ, सही है। तो अब आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लिया कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है
कि ए ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। यही तो क्या होता है, डेफिनेशन होता है। और ऑर्डर इसका मान लेते हैं ऑफ ऑर्डर 2n+1, यहाँ पर n कोई भी एक नेचुरल नंबर मान लिया, सही है ना। तो ये ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब मुझे ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग इज व्हाट, 0। ये प्रूफ करना है, ठीक है, आ जाओ कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए, क्या ये वाली बात समझ आ रही है क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस ए लिख दिया और कुछ नहीं, सही है ना। ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस ए, ठीक है भैया। प्रूफ एक्चुअली मुझे ये नहीं करना था, प्रूफ तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 दिखाना है, क्योंकि मैट्रिक्स हमने क्या उठाया है, ए, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। देखो चलो फिर से रीस्टार्ट करो। प्रूफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिखा जा सकता है? बिल्कुल, ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1, रो कॉलम इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट चेंज ही नहीं होता है, सही है। अब ये जो ये ट्रांसपोज यहाँ जो बीच में लिखा हुआ है, इसकी जगह पे माइनस ही लिख सकता हूँ मैं, सही है, तो ये लिख दिया। अब सोचो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ऑर्डर कितना दिया है, 2n+1, ऑड ऑर्डर है, ठीक है। इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स में ये जो माइनस का साइन है, ये हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जो माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट उसका लेंगे तो डिटर्मिनेंट से तो हर एक रो से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अब ए में कितने रोज हैं, ए है 2n+1 रोज, सही है ना, क्योंकि ऑड ऑर्डर है तो ऑड नंबर ऑफ रोज होंगे और ऑड नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो हर एक रो से अगर ये माइनस मैंने कॉमन निकाला तो कितनी बार ये माइनस कॉमन आएगा, -1 का पावर 2n+1, सही है, अंदर क्या रह जाएगा, डिटर्मिनेंट है। और -1 का ऑड पावर तो माइनस होता है, अब क्या आया फाइनली मेरे पास, डिटर्मिनेंट ए बराबर -times डिटर्मिनेंट ए, या फिर 2 times डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, या फिर डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, ये प्रूव हो गया, सही है। अब यहाँ से देखो एक और चीज़ ऊपर जो भूल गई थी मल्टीप्लिकेशन में, हाँ यहाँ पे, यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला बना सकते हैं हम लोग। ये फार्मूला एक है, देखो समझ लो इसको क्या लिखा हुआ है। अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो के टाइम्स, जहाँ पर के कोई स्केलर है, के यानी स्केलर, के टाइम्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू के टू द पावर एन हो जाएगा। कैसे, इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन है, देख लो समझ लो नीचे, क्या बोला मैंने, के टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट बराबर के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ ए, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इसको ऐसे समझो, देखो एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी, मान लो ये ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो के टाइम्स ए मैट्रिक्स क्या होगा भैया, के टाइम्स ए मैट्रिक्स होगा के एक्स के वाई के जेड के पी के क्यू के आर के ए के बी के सी, ये मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँ, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो के टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट बराबर यही वाली पूरी चीज आ जाएगी, सही है ना, ये मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया इसका। अब जैसे ही ये डिटर्मिनेंट दिखा तो तुम्हें दिख रहा है कि फर्स्ट रो में के फैक्टर कॉमन है, सेकंड में भी के कॉमन है, थर्ड में भी के कॉमन है, तो के कितनी बार कॉमन आया, 3 बार ही। 3 बार जब कॉमन आया तो इधर डिटर्मिनेंट साइन के अंदर क्या बचा,
अंदर तो भैया यही वाली चीज़ बची है ना, और जब अंदर ये वाली चीज़ बचा तो ये हो गया के पावर 3, और ये जो लिखा है ये तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो फाइनली हमने क्या प्रूव किया कि के टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट जो है वो के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए है। क्यों? क्योंकि 3 इस वाले जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था। अब इसी को जनरलाइज करते हैं, अगर एन ऑर्डर है तो के इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर के टाइम्स एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। सही है, आई होप समझ आया आपको। ओके, कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी? 8। ओके, प्रॉपर्टी हो गई सारी है ना। एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।